हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाव आइडियाज़। मैं हूं सुमेधा, आप सबकी दोस्त, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। तो जिस रेसिपी का नाम है स्प्राउट डोसा, या फिर आप मूंग का डोसा भी कह सकते हो, जिसे आप चिल्ले की तरह भी बना सकते हो। तो चलिए, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आगे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने रात को एक कटोरी मूंग और आधी कटोरी चावल भिगो के रख दिया था। आपको जितना मूंग लेना है उसका आधा चावल लेना है। चावल से क्रंचीनेस आता है, इसलिए मैंने चावल डाला था। इन सब चीज़ों को अगर आप रात को भिगोना भूल जाते हैं, तो 2 से 3 घंटे पहले आपको अच्छा गर्म पानी थोड़ा लेना है, उसमें आपको इन चीज़ों को भिगो देना है। ये अच्छे से भीग जाता है, और इसको भीगने के बाद आप जब यूज़ करें तो 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धो लें, ताकि इसे गंदगी सारी निकल जाए। उसके बाद आप इसे यूज़ करें। तो मैं 2 बार करके इसे पीसूँगी। तो आधा मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कच्ची मिर्ची, यानी कि ग्रीन चिली जो होती है। ये मेरी तीखी कम है, इसलिए मैं पूरा 1 लिया है। अगर आप तीखा कम खाते तो आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने 1 इंच के करीबन जिंजर का टुकड़ा लिया है। जिंजर आप काट के मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स लिया, यानी कि जीरा लिया है। गाइस, चिली आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीफ, यानी कि धनिया पत्ता डाला है, ये भी ऑप्शनल है। ये डालने से कलर अच्छा आता है, इसलिए, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाला है। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे मैं किसी टोपिया में बाहर में निकाल दूंगी, और बचा हुआ जो हमारा मिश्रण है, हमारा जो स्प्राउट बचा हुआ, इसको भी मैं अच्छे से फाइन बैटर बना लूँगी इसका भी। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, और जो बचा हुआ क्यूमिन सीड्स था, मैंने पूरा क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून यूज़ किया है इसमें। तो वो डाल के मैं इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। तो देखिए, मैंने अच्छे से पीस लिया है। गाइज, ये बहुत हेल्दी होता है, ये बच्चे भी खा सकते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट है अगर आपके घर पे, वो भी खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है स्प्राउट, बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए। तो इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है मूंग हमारे लिए कितना हेल्दी है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैंने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है, क्योंकि अभी मैंने गाढ़ा है ये, लेकिन बाद में मुझे पतला करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया था, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पतला करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ एडिट नहीं किया है। ये पार्ट मैं एडिट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया था, कि आपको दिखाती हूँ कि अगर पतला नहीं होगा तो किस टाइप का बनेगा। तो देखिए, हमारा इतना मोटा चिल्ला बनता है, चिल्ला टाइप बन जाएगा अगर हम पतला नहीं करते। तो कई लोग इस टाइप का भी डोसा खाते, तो आप अगर आपको ऐसा पसंद है, आप इसे पानी इसमें और ऐड मत कीजिए। अब फर्स्ट चिल्ला बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला था पहले। तवे को गर्म करने से पहले भी थोड़ा सा घी लगाया था, और इसके चारों तरफ थोड़ा सा घी स्प्रेड कर दूंगी मैं, ताकि चिल्ला हमारा फर्स्ट है तो चिपके ना तवे में। तो आपको मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, आपको ज़्यादा हीट हाई नहीं करना है, ऐसे हमारा चिल्ला अच्छे से सीखता नहीं है। ये चिल्ला क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये चिल्ला की जैसा दिख रहा है, इसलिए मेरे मुँह से चिल्ला ही आ रहा है बार बार। बट ये हम डोसा बना रहे हैं, आप चिल्ला भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको आप ग्रीन चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, या फिर नारियल की चटनी, तो इसके लिए परफेक्ट है, इसे आप सर्व कर सकते हो। देखिए, हमारा इस टाइप का भी डोसा उतरा है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि मैं घी नहीं डाल यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा, इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा छीटा मारा है पानी का। उसके बाद कपड़े से पोंछ लेना है आपको, और ताकि हमारा हीट बैलेंस रहे, ज़्यादा हीट ना हो हमारा तवा। अब मैंने देखिए बैटर को थोड़ा पतला कर लिया है पानी ऐड करके। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल के इसे पतला गाढ़ा जैसा रखना है आपको, ये आप कर सकती हैं। तो आपको हल्के हाथों से फटाफट स्प्रेड करना है अपने तवे पे, अच्छा सेप देना है आपको। और इस फिर उसके बाद चारों तरफ थोड़ा सा घी, या फिर आप ऑलिव ऑयल, या कोई भी ऑयल आप खाना चाहते हैं वो हल्का सा डाल सकते हैं आप। इसी तरीके से आप मीडियम टू लो फ्लेम करके आप सारे चिल्ले को सेक लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम जो है वो स्टफ करके बनाया था, बट मैं इस बार प्लेन डोसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने स्टफ नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने पनीर डोसा और दूसरा बनाया था अनियन और चीज़ डोसा। तो आप दोनों में से आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वैसे करके भी खा सकते हो, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है स्टफ़ करके भी। और ये आलू की भी स्टफिंग आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर प्लेन बनाया है। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को अगर आप खिलाना चाहते हैं तो आप इसमें पनीर को घर का छीना बना के आप इसमें स्टफिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मसाला ऐड करके, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरीके से आप मीडियम टू लो फ्लेम करके पतला पतला डोसा अगर बनाते हैं तो काफ़ी क्रंची बनता है। तो आप इसको हमेशा किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, और रात को भी, डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। तो गाइस, मेरे पास थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मैंने इसे इस फ्रिज में रख दिया था। और दूसरे दिन मैंने इसमें कुकुम्बर, यानी कि खीरे को मैंने ग्रेट करके कद्दूकस करके इसमें मिक्स कर लिया था। उसके
उसके बाद मैंने इसको चिल्ले की तरह बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने सोचा ये बात आपको बता देती हूँ, मैं उसका वीडियो तो मैंने नहीं बनाया बट मैं आपको शेयर ज़रूर करती हूँ। तो लीजिए, हमारा चिल्ला बन के तैयार है, डोसा कम चिल्ला जो भी आप कहना चाहे। और इसे मैंने कच्चे आम की लुंजी यानी खट्टी मिट्टी चटनी के साथ सर्व किया। आप चाहे तो नारियल की चटनी, किसी भी चटनी का आपको जो पसंद है आप उसे सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जो टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे सारे वीडियोस के अपडेट रहे आपके पास। तो गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करके जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। मैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी।